एसएसपी ऑफिस पर छात्रों का जमकर प्रदर्शन। अलीगढ़ डीएस डिग्री कॉलेज के छात्रों का एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। जमकर की पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। हिंदूवादी छात्र नेता के खिलाफ हुए लूट मारपीट के मुकदमे को लेकर कर रहे प्रदर्शन। दो दिन पहले छात्रों के दो गुटों में डीएस कॉलेज में हुई थी मारपीट। भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। एसपी क्राइम के आश्वासन के बाद छात्र हुए शांत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है ये। दरअसल डीएस डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे बीए प्रथम वर्ष के छात्र अर्शद ने छात्र नेता अरविंद पंडित सहित 10 से 12 छात्रों पर मारपीट कर उत्पीड़न का आरोप लगाया है कि कल विद्यालय में उसके साथ नाम पूछ कर मारपीट की गई। साथ ही उसे स्कूल न आने की चेतावनी दी गई, जिसमें पीड़ित छात्र के द्वारा पूर्व छात्रों को सूचना दी गई। इस पूर्व छात्रों ने पीड़ित के साथ आकर शुक्रवार को एसएसपी अलीगढ़ आकाश कुलहरी को मिलकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसएसपी द्वारा सभी आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। उसी से नाराज हिंदूवादी छात्र भारी तादाद में इकट्ठा होकर आज एसएसपी ऑफिस पर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन नारेबाजी की। एसपी क्राइम के आदेश के बाद छात्र शांत होकर वापस चले गए। छात्रों की मांग थी कि दूसरे छात्रों के खिलाफ भी मारपीट लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसपी क्राइम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, घटना 14 तारीख की है। दोपहर करीब 12:30 बजे मैं अपने महाविद्यालय परिसर में जहाँ से मैं विधि का छात्र हूँ, खेल मैदान के निकट से गुजर रहा था। वहाँ पे एक जो जिसका मैंने बाद में पता किया अरशद नाम का व्यक्ति था, वह मुझे देखकर फर्जी राष्ट्रवादी और मेरे हिंदुत्व को मेरे धर्म को लेकर मुझ पर टीका टिप्पणी करने लगा। जब मैंने उसका विरोध किया तो वो मुझ पर हमलावर हो गया, जिसके बाद कॉलेज के तमाम छात्रों ने वहां पहुंचकर बीच बचाव किया। मैं उस अराजक व्यक्ति को, जो कि महाविद्यालय की वेशभूषा में भी नहीं था, उसको प्रॉक्टर के अधीन किया। तत्पश्चात वह निकल गया, परंतु उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जी आर रहमान नामक एक फर्जी व्यक्ति ने उसको ले जाकर यहाँ पे मेरे खिलाफ एक तहरीर दिलवाई, जिसमें कि उसने मुझ पे तमाम आरोप लगाए, जबकि वास्तविकता ये थी उस घटना में मेरे धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचा गया। मेरे साथ मारपीट की गई और मेरी जेब से 2230 रुपए व एक सोने की चैन थी, उसको लूट लिया गया। कब आप कहां आए और किस तरीके से? आज यहां हम कप्तान साहब के पास आए, क्योंकि कप्तान साहब ने कल उनकी वो जो तहरीर थी उसे देखते ही तुरंत मुकदमे के आदेश कर दिए, जिसमें कि मुझ पर 300 रुपए की लूट का भी एक मुकदमा धारा लगाई थी, जिसके विरोध में सब छात्रों ने जब देखा, अलीगढ़ के जनमानस ने, अलीगढ़ के युवाओं ने, अलीगढ़ के हिंदूवादियों ने, राष्ट्रवादियों ने जब ये देखा तो वह इस चीज को सह नहीं सके और वह सब मुझे लेकर यहाँ कप्तान साहब के पास आए, क्योंकि मुझे डर था। गांधी पार्क के जो जो हमारे एसओ साहब हैं, जो कि तमाम तानाशाह हैं, जिन्होंने तमाम फर्जी धाराओं में भी मुझ पर FIR पंजीकृत करा दी, तो वहां जाने से मैं कहीं ना कहीं चूक रहा था। तब सभी भाइयों ने मुझे ताकत दी, साहस दिया, सभी राष्ट्रवादी मिलके मुझे कप्तान साहब के यहाँ लाए। मैंने अपनी तहरीर में जो भी मेरे साथ घटना थी वो यहाँ दे दी। क्या आश्वासन मिला? यहाँ से आश्वासन पूर्ण मिला है कि FIR करने के तुरंत आदेश दे दिए गए। CO सेकंड साहब से भी हमें मिलने के लिए कहा है, हम उनसे मिलेंगे तत्पश्चात। और साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जो 300 रुपए की लूट का और जो वैसी अनर्गल धाराएं लगी हैं उनको तुरंत हटाया जाएगा। ठीक है सर, किस तरीके ज्ञापन दिया गया था, क्या मांगे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल के संबंध में जो निर्णय पारित किया गया है उसको लेकर के राहुल गांधी सार्वजनिक माफी मांगे और इसमें आगे की कार्रवाई की गई। तो कि प्रेसिडेंट को संबोधित ज्ञापन है, हम अपने माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के हम जवाने। थैंक यू। छात्र मांग लेके आए थे अपने डीएस कॉलेज में, कोई दो छात्रों के बीच में आपस में कुछ बात हो गई थी, उसके संबंध में एक छात्र ने पहले एप्लीकेशन दिया था, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है। अब इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, दोनों एप्लीकेशन के बारे में COCT साहब को बता दिया गया है, कुछ जांच कर ले, जांच में तो सब तक सामने आएगा, जिसकी जितनी गलती उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये भी पता चला है कि उसमें जो थाने का जो जो कॉलेज का जो प्रशासन है वो इन्वॉल्व है, वो मैटर को अपने स्तर सॉर्ट आउट करा रहे हैं। दोनों का प्रयास है कि एमकेबली सॉर्ट आउट कराएगा। यदि कोई क्रिमिनल इंटेंट जिसमें बात आती बात नहीं बनती है, तो जो भी दोनों द्वारा जो भी अपराध किया गया है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो जो बात सत्य हो। इनके
सत्र से जो बात सत्य होगी उनका उनका दर्शन के बाद सत्य होती है, जिसके एस क्यू सी के साथ जाँच करें, जाँच रिपोर्ट सबमिट कराएं। छात्र मांग ले के आए थे डी एस कॉलेज में, कोई दो छात्रों के बीच में आपस में कुछ बात हो गई थी, उसके संबंध में एक छात्र ने पहले एप्लीकेशन दिया था, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है। अब इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, दोनों एप्लीकेशन के बारे में सी ओ सी टी साहब को बता दिया गया है, कुछ जांच कर लें, जांच में जो तत्व सामने आएगा जिसकी जितनी गलती उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये भी पता चला है कि उसमें जो थाने का जो जो कॉलेज का जो प्रशासन है वो इन्वॉल्व है, वो मैटर को अपने स्तर सॉर्ट आउट करा रहे हैं। दोनों का प्रयास है कि इसको एमकेबली सॉर्ट आउट कराया जाए। यदि कोई क्रिमिनल इंटेंट जिसमें बात आती है, बात नहीं बनती है, तो जो भी दोनों द्वारा जो भी अपराध किया गया है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो जो बात सत्य होगी इनके तरफ से, जो बात सत्य होगी उनका दर्शन के बाद सत्य होगी, जिसका सी ओ सी के साथ जाँच करें, जाँच रिपोर्ट से कार्रवाई करें।